नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी और हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप स्वादिष्ट नारियल की चटनी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को भी क्लिक कर दें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। नारियल की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा नारियल। आप आधा नारियल लीजिए और उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए आधा बाउल धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च, आधा कप दही। उसके बाद आपको चाहिए नमक, जो कि आपको स्वाद अनुसार लेना है। तड़के के लिए आपको चाहिए रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच राई के दाने, 6 कड़ी पत्ता। अब आप नारियल की चटनी बनाने के लिए आधे कटे हुए नारियल को मिक्सर में घुमा लीजिए। जब नारियल के बारीक टुकड़े हो जाएं, तो उसमें आपको मिलाना है आधा कटोरी दही, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और धनिया की पत्ती। नारियल के अंदर ये सारी चीजें मिलाने के बाद आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब इस पेस्ट को आप एक बाउल में खाली कर लीजिए। आपको तैयार करना है तड़का। तड़के के लिए आपको लेनी है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी खाने का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कढ़ाई लीजिए और उसमें 2 चम्मच तेल को गरम कर लीजिए। तेल को गरम करने के बाद आपको उसमें डालना है आधा चम्मच राई। राई के दाने डाल लीजिए और 1-2 मिनट तक राई को पकने दीजिए। राई को पकने के बाद आपको उसमें डालने हैं 6 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद आप गैस को बंद कर दें। अब आपका तड़का तैयार है। इस तड़के को आप तैयार नारियल की चटनी में ऊपर से डाल लीजिए। आपकी स्वादिष्ट नारियल की चटनी तैयार है। इस नारियल की चटनी को आप इडली के साथ खा सकते हैं या फिर आप डोसे के साथ भी नारियल की चटनी को परोस सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे वीडियोस रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है या कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें।